ना यहाँ पे करना कुछ खाओगे आप, थोड़ा कुछ बोल दो यार हमारे व्यूअर्स के लिए। गाइस भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ तो ये देखो दोस्तों हमें क्या खतरनाक सी चीज मिल गई यहाँ। अरे वाह, आज हमारे घर में ना काफी सारे मेहमान होने वाले हैं, कम से कम आज 10-12 लोगों खाना बन रहा था। स्पेशल हमने आज हमने भोजन माता को बुला रखा है, स्पेशल हमारी दादी। अभी हमारी पूरी महिला मंगल दल पहुंच चुकी है पंचायत भवन में और आटा गूंदने का वर्क शुरू हो चुका है। तो अब महिला मंगल दल का काम है रोटी बनाने का, वापी नंगा पैर है। और यहाँ से जा रहे हैं आलू, बाकी उधर बन रहा है पुलाव और बन रही है दाल। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। मेरा पोता है ये मजा कर रहा है मेरी। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड हाय हेलो नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब लोग, होप सो सभी बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो चलिए दोस्तों एक नए वीडियो की नई शुरुआत करते हैं, आइए कुछ खास करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो भी मेरे रूम से शुरू हो रही है कल की तरह। और आज ना दोस्तों है 19 फरवरी, तो आज दोस्तों मेरी दादी की बरसी भी है, तो आज और कल होगी। बाकी आपको दिखाते रहेंगे कि हमारे पहाड़ी रीति रिवाज में कैसे दोस्तों बरसी होती है, तो वो भी आपको आज दिखाता रहूंगा। और बाकी अपने लाइफ स्टाइल ब्लॉग जो हो चलता रहता है उसको भी दिखाता ही रहूंगा। बाकी दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और वीडियो में दोस्तों बने रहना। और दोस्तों ना घर पे एक छोटा सा भी कार्य होना तो उस कार्य को करने में ना दोस्तों हालत खराब हो जाती है, लिटरली बोल रहा हूँ। और जिन लोगों ने अपने घर पे कोई भी छोटे से छोटे कार्य भी किए होंगे उनको ये बात से वो रिलेट कर रहे होंगे कि घर पे ना कोई भी छोटा ही कार्य होना तो हालत खराब हो जाती है, क्योंकि सारे काम देखने पड़ते हैं, सब कुछ देखना पड़ता है, कुछ की कमी हो गई तो उसके लिए भी टेंशन हो जाती है, तो इसलिए ना हालत खराब हो जाती है। सही में मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो हालत बिल्कुल खराब है। बट अभी तो और होने वाली है, तो अभी तो मेन तो अब है, अभी तक तो साफ सफाई थी, अब मेन काम है। तो दोस्तों इस रूम का तो आधा बोर्ड डिस्प्ले चेंज हो चुका है, तो आधा बोर्ड डिस्प्ले हमें चेंज करना है। अब इस वाले बेड को ना थोड़ा इधर को करना है क्योंकि यहाँ होगी दोस्तों पूजा, इसलिए इसको इधर करना है। बाकी यहाँ का डिस्प्ले देखो, यहाँ भी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा। ये देखो अभी जा रहे हैं हम पंदेरा की ओर, डब्बा भी ले जा रहे हैं और पंदेरे हो रखी आज भीड़। क्या बोलो क्या बोलो, हमारे घर में काम हो रहा है, हमको पानी चाहिए जल्दी, पानी चाहिए जल्दी है। अच्छा हमारे बाहर के मेहमान आ रहे हैं, क्या लेंगे उनको? अच्छा उनके लिए चाय बनानी है, दाल बनानी है, भात बनानी है। अच्छा तो फिर दे देंगे वो? हाँ देंगे। चलो ठीक है, चलो ठीक है। तो आ रहे अरे मिल, ओ फोन चलाने वाले, चलो डब्बा नीच, डब्बा में जरूर आ जा। तो फाइनली भाई आसू भाई को मिल गया डब्बा, तो अब ये खुश हो चुके हैं। खुश हो रहे या ना खुश हो रहे हो? शायद ना खुश हो रहे। चलो आज हमारे घर में ना काफी सारे मेहमान होने वाले हैं, कम से कम आज 10-12 लोगों का खाना बन रहा था। स्पेशल हमने आज हमने भोजन माता को बुला रखा है, हमारी दादी है नहीं तो मैं मजाक कर रहा हूँ यार, वो तो बस तो। तो अभी दोस्तों जा रहा हूँ ऊपर डिग्गी में पानी देखने कि डिग्गी में कितना पानी है, क्योंकि अगर पानी कम होगा तो रात को दिक्कत आ जाएगी पानी की, इसलिए ऊपर पानी चेक करने जा रहा हूँ। चलो पानी देख के आता हूँ पहले, और उसके बाद देखते हैं आगे क्या क्या करते हैं। बाकी रोड का काम भी चल ही रहा है, डबल वाली कटिंग, तो जैसे भी सफाई कर रही है पूरी इस रोड की, जिससे कि इसमें अब गाड़ी लायक मतलब गाड़ी आ जाए, बाकी इसकी सफाई हो रही है। बाकी यहाँ पे देखो दोस्तों, ये है अमरूद का पेड़ और ये है लीची का पेड़, तो एकमात्र पेड़ है हमारे गाँव में लीची का, ये वाला। अभी तो लीची हो नहीं रही, जब होंगी तब दिखाएंगे आपको। चलो तो ये रही हमारे गाँव की डिग्गी, क्योंकि हमारे गांव की मेन डिग्गी है जहाँ से हमारे गांव में पानी आता है। बाकी इसमें देखना है मुझे कितना पानी है, बाकी आवाज़ तो आ रही है पानी की आने की, तो डिग्गी में पानी काफ़ी है मेरे हिसाब से। डिग्गी में तो पानी है, टंकी में तो पानी है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी ये किस लिए बना रखा होगा ये मुझे नहीं पता, इसका दरवाज़ा कब से टूटा है, बहुत पहले से टूटा है, जब से मैं मतलब इस डिग्गी को देख रहा हूँ तब से टूटा ही है। ये रहा दोस्तों जगने का फूल, तो भी पूजा में इस्तेमाल होगा, तो इसीलिए इसको भी ले जा रहे हूँ। तो आज तो ना दोस्तों बिल्कुल पानी की ड्यूटी लगी हुई है, देखो अब गागरी लेके जा रहे हैं पंडेरे, तो आज तो पानी की ड्यूटी है बस, हालत ख़राब हो रही है पानी। आज ना दोस्तों हो गए पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत, देखो
अरे आ रहे आज पानी लेने, कुछ नीचे वाले डिग्गी में जा रहे होंगे, 15-10 तो नीचे वाले डिग्गी में होंगे क्योंकि वहाँ दो नल है। तो देखते हैं। अरे स्वामी भाई आज कपड़े धो रहा है, वाह क्या बात है, क्या बात है। तो अभी दोस्तों दोपहर हो चुकी है, दो बज चुके हैं और अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर पानी खोलने और पंडित जी आने वाले हैं तो मुझे रेत भी लाना है। तो पूजा में रेत का कुछ शायद यूज होगा, उसके लिए रेत भी लानी है और फिर ऊपर पानी खोल के आऊँगा। तो चलानी चाहिए मैं थी पैर खोलना गाड़ी जल दिया तो ऊपर जा रहा हूँ। किले ढूंढ रहे लोग, चलो खुल गया तो पानी खुल गया। चलो अरुण सिंह चलो। बाकी ना दोस्तों इतने काम हो रहे हैं कि ब्लॉग भी नहीं बन पा रहा है ठीक से, क्योंकि काम पे लगा हूँ तो ब्लॉग बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा। तो जहाँ जहाँ पे मेरे को थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है वहाँ पे मैं ब्लॉग भी शूट कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों रेत भी भर चुकी है तो चलो बाकी ये काम भी हो ही गया। मेला मिलन किनर देखो कितना मस्त बन गया, टाइल ट्वेल लग के यहाँ मस्त है। बाकी यहाँ पे ढोल दमो हमारे गाँव के, बाकी ये बच्चों की चीजें जापान। दोस्तों ये देखो जूता, खतरनाक जूता है ना, बाकी इतना पैर जाएगा इस पे, बाकी तो हो गया काम। और दादाजी का है दादाजी का जूता है वाला। बाकी अभी दादाजी कर रहे हैं बर्तनों की काउंटिंग, कौन कौन क्या क्या बर्तन निकले हैं, तो काउंटिंग के हिसाब से ले जाते हैं और चाचा बिना काउंटिंग के नहीं ले जाते। अरे खड़े होते हैं यहाँ, काम वम नहीं कर रहे। तो ये देखो दोस्तों हमें क्या खतरनाक सी चीज मिल गई यहाँ, देखो कौन है रे इसमें उस्ताद, जरा बजा के दिखाओ कौन है उस्ताद। अरे वाह जो इसमें उस्ताद होगा ना वो अच्छे से बजाएगा। तो ये मस्त है रे। तो 30 चेयर निकल चुकी है तो इनको लेके जाना है, तो पकड़ो रे जो जितना ले जा सकता है, जितना जितना ले जा सकते हो, जितनी जितनी कैपेसिटी है उतने उतने ले जाओ चलो। तो ये देखो हमारे गांव के छोटे बच्चों का वर्क कितना अच्छा है, मस्त बढ़िया बंदे, बोलो लोगों शाबाश। इधर दोस्तों गोभी कट चुकी है और यहाँ से जा रहे हैं आलू, बाकी उधर बन रहा है पुलाव और बन रही है दाल। परिसर में दोस्तों दाल ही उज रही होगी, बाकी अभी रात के लिए जो मेहमान लोग आएंगे उनके लिए दाल मतलब उनके लिए सब्जी बनाई जा रही है रात के लिए, तो उनके लिए और पूरे गांव के लिए आज यही होगा। तो चलो सही है, बाकी लगे हुए हैं सारे अपने अपने कामों में, बाकी हम भी लगे हुए हैं, चलो सही है। ये ताऊ जी, और ताऊ जी बना रहे हैं यहाँ पे गर्म गर्म सब्जी, ताऊ के साथ चाचा जी। नमक मिर्च कम होगा, वो दादाजी हैं, दादाजी केवल टेस्ट करेंगे बस। और दिल्ली वाले मेहमान जी हैं, नमस्कार बोल दिया आपको दिल्ली को खुण यार। नमस्कार नंगा पैर सभी। तो दोस्तों सभी कामों में लगे हुए हैं और अंदर चल रही है पूजा और मैं भी अपने काम में लगा हुआ हूँ इसलिए वो नहीं दिखा पा रहा हूँ। बाकी अभी मुझे नीचे और सामान लेके जाना है, चलो उनको लेके चलते हैं। बाकी इधर अभी बन रही है पुड़िया, वो देखो अभी हमारी पूरी महिला मंगल दल पहुंच चुकी है पंचायत भवन में और
आटा गूंदने का वर्क शुरू हो चुका है। तो अब मैला मंगल दल का काम है रोटी बनाने का। तो अभी मैला मंगल दल पूरे लगे हुए हैं, देखो आटा गूंदने में, तो सही है। बाकी आपसे मिलते हैं हम रोटी बनाते टाइम। बाकी हमारी चाची काफी स्माइल कर रही है, सारी चाची हमारी स्माइल कर रही है, तो अच्छा है। बाकी आंचल का भी काफी अच्छा वर्क पानी डालने का। आंचल ऐसा काम करने लग गया, हमें तो पता ही नहीं था। उधर मान तो लगा हुआ है फोन पे, फोन का लेबलेशन कर रहा है वो। एक ने तो मुंह छुपा लिया है। बाकी रोटी यहाँ बनना शुरू हो चुकी है। तो चलो सही है। बाकी करीना यहाँ पे करना, कुछ खाओगे आप? तेरा कुछ बोल दो यार हमारे व्यूअर्स के लिए। करीना शर्मा गई। आप कुछ कहोगे? आप कुछ कहोगे? आप भी कुछ नहीं कहोगे? तो ये हमारे गांव की बेकार लड़कियां हैं, कुछ नहीं कह रही है। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। आप मेरे को तो जानती हो। अच्छा शायद मैं कौन हूँ? अच्छा ठीक है, तो आप जानती होगे वैसे। हाँ इनको नहीं जानती यार, तुम दोनों बताओ, तुम दोनों कोई नहीं जानता। नहीं करीना को जानते यार, करने का सगाई का ब्लॉग है मेरा, उसमें सबसे ज्यादा व्यू आ रहे हैं उसमें। यही आप दोबारा आप कर नेवल कर रहे तो देर दो कारा का। तो अभी दोस्तों चाय और पुड़िया वाले आ चुके हैं। तो ये चाय वाले और ये पुड़िया वाले और ये चाय सर्व करने वाले, तो सारे देखो तो दोस्तों आज दादी के बरसी का दोस्तों फर्स्ट डे था, मतलब आज रात को और कल दिन में होगी। तो आज का ब्लॉग दोस्तों कुछ ऐसा ऐसा बना, और बाकी हालत ख़राब हो गई काम कर करके। बाकी अभी मैं बहुत से लोग बोल रहा हूँ क्योंकि सारे लोग सो रखे हैं, इसलिए क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, रात के 11 बज रहे हैं। और फिर जो कल होगी पूजा उसका मैं पक्का बनाऊंगा, क्योंकि आज की पूजा का तो नहीं बना पाया क्योंकि बहुत सारे कामों में इधर उधर जा रहा था, तो इसलिए नहीं बना पाया। बाकी कल के वाले ब्लॉग में कन्फर्म जो पूजा का पार्ट होगा वो आपको कन्फर्म दिखाऊँगा। बाकी चलिए फिर इसको यहीं एंड कर देते हैं इस वीडियो को, और मिलते हैं आपको फिर अगले वाले पार्ट में, जो कि मैं अगले वाला पार्ट डालूँगा कल का। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, पीस आउट।